when you are not playing, you maintain my fitness. I think you need to be fit throughout. I think you never know when you are going to play next. Keep supporting me. एक बार फिर संजू सैमसन के साथ हुई बड़ी नाइंसाफी। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है और इसमें संजू सैमसन को शामिल तो किया गया है लेकिन सिर्फ बैकअप प्लेयर के तौर पर। वहीं सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को मेन टीम में शामिल किया गया है, जबकि तिलक वर्मा ने अभी तक एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है। वहीं सूर्य का ओडीआई में रिकॉर्ड काफी खराब है, ऐसे में संजू सैमसन के साथ नाइंसाफी हुई है क्योंकि उनका ओडीआई में रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।